हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको NBCC के क्वार्टरली रिजल्ट्स बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि इसके रिजल्ट्स से इसके शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको इसके रिजल्ट्स बता देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर रेवेन्यू देख सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 37% का इंक्रीमेंट है। नेट प्रॉफिट में 100% का इंक्रीमेंट है। पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें तो 100% में नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 38% का इंक्रीमेंट है और नेट प्रॉफिट में 64% का इंक्रीमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ये क्वार्टर में काफ़ी बढ़िया तरीके से इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो ये क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया है। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 8,442 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का PE 41.63 और कंपनी का PE 33.26। तो ये आपको इंडस्ट्री से सिर्फ थोड़े से कम प्राइस में मिल रहा है और बुक प्राइस अगर आप देखें तो 4.69 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज 39.45, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि 2018 में आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू था 8,061 करोड़। 2019 में कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया, दैट इज 10,015 करोड़। लेकिन उसके बाद से कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ डिक्रीज हुए जा रहा है। 2020 में 8,029 करोड़ और 2021 में 7,001 करोड़। लेकिन कंपनी के अगर आप प्रॉफिट्स देखें तो 2020 में बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो गया, दैट इज़ 80 करोड़, मतलब 380 करोड़ से डायरेक्ट 80 करोड़ पे कंपनी के प्रॉफिट आ गए, जो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। 2021 में कंपनी ने फिर से अपने प्रॉफिट्स में रिकवर किया लेकिन रेवेन्यू तो यहाँ पर डिक्रीज ही हो रहा है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो अच्छा नहीं है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो 5-ईयर हाई है कंपनी का 145.65 और करंटली 46.10 पे ट्रेड कर रहा है। आज भी ये 1.71% डाउन है, 0.80 रुपीज़ डाउन है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो आपको इस शेयर में थोड़ा सा अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। वैसे ये बहुत स्लो शेयर है, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।